नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कुशल मंगल से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपसे जुड़े हुए लोग भी प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे। क्वेश्चन मार्क कहां तक ये सही है? हम लोग अपना खुद का ख्याल नहीं कर सकते, हमसे जुड़े हुए लोग कैसे हैं इसका ख्याल कहां कर पाएंगे? गंभीर मुद्दा है। आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से है। आज का टॉपिक है सुसाइड, खुद को मार लेना, आत्महत्या बोलते हैं इसे। बीते कुछ सप्ताह में एक घटना हुआ जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग इस घटना से सीखना और लोगों को सिखाना और एक जिम्मेदारी लेना खुद के लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखोगे, वो हर एक बात को समझने की कोशिश करोगे जो मेरे जुबान से निकलेगा और जो मेरे जुबान से नहीं निकलेगा, यानी आपको भावनाओं को भी समझना है। ठीक है, मेरे को एक कॉल आया लगभग रात को 11 बजे के बाद और थोड़ा मैं एक्चुअली बहुत दिन हो गया, मैं बताया कि सप्ताह भर से ज़्यादा हो गया, क्या शायद 2 सप्ताह हो गए होंगे, तो मुझे नाम नहीं याद है ना ही प्लेस याद है। आई थिंक लखनऊ या फिर दिल्ली की से कॉल था मुझे वो, और वो मुझे बताया कि सर एक लड़का है जो कि अभी 2 घंटे पहले अपने स्टेटस पे एक सुसाइड नोट टाइप करके अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया है और मोबाइल भी बंद कर दिया है, कॉल नहीं लग रहा है और वो बीएचयू में पढ़ाई कर रहा है। सो प्लीज देखो, आप आपके साथ कांटेक्ट में हो या आप कुछ कर सको, वो लड़का मिल जाता है, सही सलामत है, खुश भी है, अब खुश हो गया होगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई और जब वो ऐसा किया तो बाकी लोग का क्या हालत हुआ या जब मुझे पता चला तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने कैसे किया, इन तमाम बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि उस लड़के ने लगभग अपने सुसाइड नोट लगाने से 1 हफ्ता पहले मेरे साथ एक सेल्फी अपने स्टेटस पे लगाया था कि नीर सर से मिला, थैंक यू सो मच, जो भी उसको उसके लिए सब थे उसने लिखा। जनरली लोग बीएचयू में मिल जाते हैं या कहीं मिल जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं फिर अपने स्टेटस अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं कि फलनवा सर मिले, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं तो लाइक फैन फॉलोइंग है या फिर उनके रेस्पेक्ट में लोग उनसे सेल्फी लेते हैं। मेरे से भी सेल्फी लिया वो और एक मीटअप हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने सेल्फी लिया था तो उसने भी लिया था, तो उसने सेल्फी लिया और उस सेल्फी को उसने अपने स्टेटस पे लगाया था। तो जो गार्जियन था उसने पढ़ा उसको कि वो अपने टीचर से मिल गया जिनसे वो पढ़ाई किया था या जिनके वो वीडियोस देखता था। तो उसके गार्जियन ने उस दोस्त को बताया, उसके दोस्त को, कि वहाँ पे एक सर हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। तो फाइनली उसने मेरे को कॉल किया। फिर अब इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि लोगों को बताएंगे शायद इतना फैल जाए, वो पैनिक हो जाए, वो डर जाए, ना करने वाला हो तो जाके कर ले। अब ऐसे में जरूरी है कि बड़े माइंड से काम करना पड़ेगा, उस तक पहुंचना बिना पता चले उसे और फिर उससे बातें करना, उसकी प्रॉब्लम को सुनना और उसको सलूशन बताना। थैंक गॉड लगभग रात के 1-2 बजे तक पता चला कि वो अपने एक दोस्त के साथ है और कुशल मंगल से है। उसके गार्जियन की जो स्थिति थी कि आप समझ सकते हो कि कोई लड़का ऐसे स्टेटस लगा दे और 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाए, कितना डिफिकल्ट है। और ऐसे केसेस मुझे कुछ साल पहले भी मिल चुके हैं कुछ बैच के बच्चों के द्वारा। और ऐसे केसेस आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे। सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय में भी ये नौबत आई है। कई बार यहाँ के हॉस्टल्स में या यहाँ पे सीरगेट पे या छित्तूपुर या लंका फलनवा डिकनवा जो भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे सुनने में आता है कि इस महीने में इस तारीख को इतने बजे इस लड़के ने सुसाइड कर लिया।
कहीं कहीं पे रीजन पता चलता है, कहीं कहीं पे रीजन पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं जब एक सर्वे किया पूरे केसेस लगभग मान के चलो कि टॉप 5 टॉप 6 जो कि साल डेढ़ साल के अंदर हुए हैं बीएचयू के आसपास, उसमें मैं एक कॉमन बात पाया हूं कि जो भी लड़के ने सुसाइड करी है उस लड़के का अपने परिवार के साथ एक हफ्ते या 4 से 5 या 2 दिन से कनेक्शन बंद था, बातचीत नहीं होती थी। ये कॉमन चीज मिला मुझे, तो सॉल्यूशन भी मुझे यही मिल गया कि गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका बच्चा यदि बाहर जाता है तो आप उसको अकेला मत छोड़ो। कोशिश करो कि पर डे शाम में एक वीडियो कॉल करो या एक ऑडियो कॉल करो। अब इसलिए नहीं कि वो सुसाइड करने जा रहा है, इसलिए कि आपका और उसका एक संबंध बना रहे, एक प्यार बना रहे, एक आत्मीयता बना रहे, उसको ये हमेशा महसूस होता रहे कि उसके लिए और आप किसी के लिए जी रहे हो, एक दूसरे का सहारा हो। लोग होप खो देते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? और जैसा मैंने बताया कि आपसे जुड़े हुए लोग खुश हैं कि नहीं, तो प्लीज यदि आपकी कोई दोस्ती आ रही है तो आप अपने दोस्त का भी एक बार हालचाल जरूर ले लिया करो। बाद में जब सुसाइड वो कर लेता है तो आप ही स्टेटस लगाते हो कि भाई कम से कम एक बार मेरे से बात कर लिया होता, कम से कम मेरे से शेयर कर लिया होता, तो आप क्यों नहीं एक बार पूछ लिए होते। तो जरूरी है कि ये सांसारिक जीवन है, मोह माया से भरा हुआ है, यही मोह माया हमारे लिए प्यार भी है और यही मोह माया हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति भी है। तो एक बहुत ही साधारण सा जो आपके लिए सुझाव है वो यही है कि आप लोग के आसपास जो आपकी दोस्ती यारी है आप उसमें थोड़ा एक क्लोजनेस लाओ, एक अच्छी बॉन्डिंग लाओ, जिससे कि आप उसे और वो आपको अच्छे से समझे, क्योंकि आपका गार्जियन यहाँ हमेशा अवेलेबल नहीं है। आप या तो अपना ख्याल खुद करो या आपका कोई दोस्त आपका सहयोग करता रहे। अपना ख्याल तो आपको करना पड़ेगा भाई, आपका ख्याल करने यहाँ कौन आएगा, इतने बड़े तो हो ही गए हो आप। और दूसरा जो गार्जियन के लिए सजेशन है वो यही है कि वो अपने बच्चे से बातचीत करता रहे, पहला केस। दूसरा केस था, एक बच्ची है यानी एक लड़की है जिसकी मम्मी जो है वो इतना तंग करती हैं उसे, ये केस भी मुझे सुनने में मिला। सुन एक बार, तंग करने का मतलब ये है कि ऑल टाइम कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, कि कहाँ है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है, डाउट वाला जो सीन होता है। तो ये मैं गार्जियन से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे पर और आपका बच्चा जो है जिस भरोसे यहां आया है उन दोनों को कायम करें। सो प्लीज अगर गार्जियन यानी कुछ मम्मी लोग ऐसा करती हैं, मुझे पता है कि उनको ख्याल रहता होगा, उनको फिक्र रहती होगी अपने बच्चे या बच्चियों का, तब वो ऐसा करती हैं। लेकिन शायद एक दो केसेस में ऐसा हुआ है कि मम्मी लोग कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा डाउट करने लगती हैं कि मेरी बेटी बहुत गलत जगह पर जा रही है। मुझे लगता है ऐसे मुद्दे पर एक बार अपनी बेटी से आपको बात कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये केस मेरे पास आया, मैं अगर स्टोरी सुना, तो इसका मतलब वो लड़की अगर इस बात को समझती या आप उसे समझाई होती तो वो यहाँ तक बात को ले नहीं आती। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उसके माइंड में बात आया है कि आप उसकी प्रॉब्लम भी हो, ऑफकोर्स आप सोल्यूशन हो, आप उसके केयर के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको जब डाउट है अपनी बेटी पे तो एक बार आपको अपनी बेटी से इस बारे में बात करनी चाहिए, ओपनली बात करना चाहिए बहुत ही आराम से बैठ के, जिससे कि इसका कोई सोल्यूशन निकल के आए, आपको बार बार कॉल करने की जरूरत ना पड़े और खासकर चेकिंग के लिए ना करना पड़े आपको उसको। हाल देखो, गार्जियन जब कॉल करता है तो मैं चूंकि मेरा भाई भी है, वो उसके लिए मैं गार्जियन हूँ, वो बाहर रहता है, वो आईआईटी कर रहा है, तो ऐसे में मेरा क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि तुम कैसे हो, क्या खाए हो, क्योंकि इस एज में आने के बाद आप उसे बार बार ये फोर्स नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई भी किया करो, क्योंकि वो एक डेली का मुद्दा नहीं है डिस्कशन के लिए। जब आप किसी मुद्दे को डेली डेली दिमाग में डालोगे ना तो वो इरिटेड हो जाएगा, उससे वो बात चुभेगी। आपको ये बात समझ में आता है ना, एक होता है ना गांव बोलते हिक्कन हो गया है, मतलब शायद उसको किसी बात के लिए इतना बोल दो या इतना मार दो कि उसका असर ही खत्म हो जाए,
तो वही बात है, आपने देखा होगा कि घर का वो मेंबर जो कभी किसी को डांटता नहीं है, अगर वो कभी गुस्से में किसी को डांट देता है तो उसकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है। एग्जैक्टली आपको कुछ इस तरीके से रोल करने हैं कि आप किसी, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो आप उसको डेली डेली मत डांटो, आप उसको एक बार डांटो, थोड़ा तबीयत से समझाते हुए डांट दो, वो उसके दिमाग में अच्छे से जाएगा। डेली डेली डांटोगे तो पता क्या बोलेगा, इनका डेली का काम है यार, ऐसे चिल्लाती रहती हैं या चिल्लाता रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको रिफॉर्म करना है। बाकी लड़के और लड़कियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस चीज के लिए आए हो कम से कम उसमें 70-80% सफल होके जाओ। मुझे पता है 100% कोशिश नहीं कर सकोगे, आजकल शॉर्ट टाइम प्लेजर का समय है, ओपन माइंडेड कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, वो मेरे समझाए भी नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते हैं, समझदार भी हैं, समझदार वो भी हैं, लेकिन वो भटक जाते हैं बाद में उन्हें रियलाइज होता है। हाँ, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे भी भटक जाते हैं, वो एक लंबी स्टोरी है, आप बोलोगे तो हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज का जो मुद्दा है वो है ये आत्महत्या, सुसाइड। ये मेरे को चुभा, उस समय तो मैं अगर वीडियो बनाता तो शायद मेरे आंख से आंसू आ रहे होते या फिर मैं बहुत सैड होता। अभी इतना समय हो गया है कि इंस्टेंट जो माइंड पे एक इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम हो गया है, बहुत इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन ये मुद्दा सच में बहुत इमोशनल है। प्लीज़ अपने जीवन के साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं करना है, ये बहुत प्रीसियस जीवन है, इतना अच्छा लाइफ है आपके पास। आप देख सकते हो कि रोड पे इतनी भीड़ है, स्टेशन पे इतनी भीड़ है, इट मीन्स कि लोगों के पास प्यार, सगे संबंधी लोग हैं, वो एक दूसरे को मिलने के लिए जा रहे हैं, तभी तो इतना क्राउड है, तभी तो हर जगह लोग दिख जाते हैं। आपके घर में आपके पापा मम्मी इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन आप कुछ बन के आओगे और उनका जो भी दुख तकलीफ है वो आप दूर कर दोगे। कम से कम खुद के लिए नहीं, अपने पापा और मम्मी के लिए आपको जीना तो पड़ेगा, मेरा सिंपल सा मानना है। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के 3-4 साल आपके लिए इतना मेहनत करा।